फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। आज नाग पंचमी है, नाग पंचमी की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छे से गुजरे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और खुश रहें। रास्ते में छिलका बना रही हूँ, ये तो सभी लोग जानते होंगे कि छिलका कैसे बनता है। मैं छिलका बना रही हूँ और देखिए मैंने कुछ बना के भी रखे हैं, और साथ में आलू और बोदी की सब्जी, और मैं आज करील का भी रोटी बना रही हूँ। देखिए बस करील का रोटी है, मैंने कल रात में चावल और दाल भिगो दिए थे। चावल भिगोने के बाद रात भर चावल और दाल फूला, चने की दाल और अरवा चावल दोनों भिगो दिए थे, और सुबह मैंने उसे पीसा और करील को कुछ कर, या आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, और उसके बाद चावल में मिला दिया है। और उसके बाद मैं इसका रोटी बनाऊंगी, मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी कि कैसे बनाती हूँ। और बच्चों के लिए कुछ प्लेन छिलका बना रही हूँ, उन्हें करील का छिलका पसंद नहीं है, वो सिर्फ भुजिया खाते हैं करील का और बचका खाते हैं, उन्हें छिलका पसंद नहीं है। तो उन लोग के लिए मैं प्लेन छिलका बना रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं करील का छिलका बनाऊंगी, तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसे कैसे बनाते हैं। मिला लिया है, ये देखिए ऐसा करील रहता है, इसे मैंने पानी में भिगो दिया है। इसे दो दिन तीन दिन पानी में भिगो के रखना पड़ता है, उसके बाद ये तैयार होता है। इसमें नमक और हल्दी मिला लिया है, और इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी और उसके बाद इसे बनाऊंगी। देखिए मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, तवे में थोड़ी ज़्यादा तेल इसमें डालना पड़ता है जिससे अच्छे से पके, और इसे मैं मिलाती हूँ अच्छे से। इसकी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो अगर आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनता है। और इसे मैं अब तवे पे डालूंगी और पकाऊंगी। इसे चारों तरफ अच्छे से फैला दूंगी ताकि ये न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा। और धीमी आंच पर इसे सेकूंगी, पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। हाय दोस्तों, मैं अभी जस्ट फ्रेश हुई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि खाना बना लूँ पहले, तो आज मैं आप लोगों को कुछ अलग चीज बताने जा रही हूँ। ये देखिए अरबी के पत्ते, ये अरबी के पत्ते हैं, लेकिन हम झारखंड में पेक्ची के पत्ते कहते हैं, और पेक्ची के पत्ते की बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ें बनती हैं। आप सब इसकी सब्जियां खाए होंगे लेकिन साग कभी नहीं खाया होगा। मैं इससे आप लोगों को साग बनाने के लिए सिखाऊंगी कि कैसे साग बनाया जाता है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए ये ताज़े पत्ते हैं, इसे मैं पहले काटूंगी और उसके बाद अच्छे से इसको धोऊंगी। मैंने पेक्ची के पत्तों को अच्छे से काट लिया है और इसे पानी में डाल दिया है। मैंने एक पानी से धोया है और फिर एक और बार पानी में डाली हूँ ताकि अच्छे से झूल जाए। और इसमें मैंने चार हरी मिर्चियाँ ली हैं और एक पोट लहसुन लिया है, और उसे मैं छोटा छोटा काट ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़े से तेल डालूँगी सरसों का, बस, क्योंकि साग में ज़्यादा तेल का ज़रूरत नहीं होता है, पानी बहुत ज़्यादा इसमें छूटता है, तो आप कम तेल भी डालेंगी तो हो जाएगा। और तेल अब गर्म होने वाला है, और इसके साथ मैं आज मठे की भात बनाने वाली हूँ, जिसे हम मठजाउर कहते हैं, तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि मठजाउर कैसे बनता है। और उस पर साग, किसी भी तरह का कोई भी साग हो, ज़रूरी नहीं कि पेक्ची के पत्तों का ही हो, कोई भी साग खाइए, उसके साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और मैं लहसुन डालूँगी और हरी मिर्च डालूंगी, और इसे मैं लाल होने तक भूनूंगी।
देखिए लाल हो चुका है। इसमें मैं साग डालूंगी, इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। फ्रेंड्स ये दही था जिसे मैंने मथ लिया है और इसे पतला कर दी हूँ। इसमें मैं और पानी मिलाऊंगी और उसके बाद इसे मैं गर्म करूंगी और इसी में मैं चावल डालकर मट्ठे का भात बनाऊंगी जिसे हम मठजाउर कहते हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी भी विधि बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जो कि मैं साग में डालूंगी और स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप इसमें खटाई में डाल सकती हैं लेकिन टमाटर अगर डाल के बनाएंगी तो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है खाने में। और मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ, मैं इसमें नमक डालने जा रही हूँ साग में स्वाद के अनुसार। साग गल चुका है, मैंने इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाला था और 3 टमाटर डाले थे मीडियम साइज के। थोड़ी देर में ये टमाटर भी गल जाएगा और साग में मिल जाएगा, उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। और ये मट्ठा है जिसमें मैं चावल डालकर मट्ठे की भात बनाऊंगी। तो आइए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं मठजाउर कैसे बनाती हूँ। देखिए मैंने चावल निकाल लिए हैं, मैं छोटे गिलास से 2 गिलास चावल लिया है मैंने। अरवा चावल है जिसे आप वाइट राइस भी बोलते हैं, ये मोटा वाला अरवा चावल है, ये घर से आया हुआ है तो इसी का मैं मठजाउर बनाऊँगी। आप उसना चावल में भी बना सकते हैं लेकिन अरवा चावल का बनाया हुआ ज़्यादा खाने में स्वाद लगता है। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरी साग लगभग तैयार हो ही चुका है, इसे मैं ढक देती हूँ और मैं चावल को थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दूँगी फूलने के लिए। और उसके बाद देखिए इसमें मैं पानी मिलाऊँगी ताकि ये पतला हो जाए और इसका मैं अधन बना सकूँ चावल डालने के लिए। तो मैं 1 कटोरी और पानी लूँगी। और इसे मैंने पतला कर दिया है और इसे मैं चला के देखूंगी। देखिए ये पानी के जैसा हो चुका है पतला और इसे मैं गैस पे बैठा देती हूँ। गैस पे बैठा दिया है और इसे मैं ढक दूंगी ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए। और चावल में मैं पानी डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक अधन गर्म होगा तब तक ये पानी में रहेगा। मैं साग और टमाटर को अच्छे से मिला रही हूँ ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए और साग में मिल जाए। इसे मैं थोड़ी देर और मिलाऊंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी कि ये तैयार कैसा होता है। साग तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे से मिल चुका है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पानी भी देखिए खोलने लगा है। इसमें मैं चावल डालूंगी, मैंने इसे धोकर और छान लिया था और इसे मैं अब डालूंगी। इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी, मैंने 2 चम्मच नमक डाला है, थोड़ी सी मैं और डाल दूंगी। इसमें आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं ताकि ये पीला दिखे, और नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कलर आप लाना चाहते हैं तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि चावल बैठे ना और बर्तन में ना लगे। इसे एक मिनट दो मिनट पे चलाते रहना है और इसे मैं ढक दूंगी। ये चावल कैसे उबल रहा है और अभी इसमें टाइम लगेगी क्योंकि मैंने अभी 10 मिनट पहले डाला है। ये तैयार हो चुका है दोस्तों और इसे मैं अब उतारूंगी। देखिए देखिए चावल मसल जा रहा है और चावल मसलने के बाद अगर अच्छे से चावल मसला जाता है तो समझिए ये तैयार हो चुका है। और मैं गैस बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर में इसे ढक कर रखूँगी ताकि अच्छे से जम जाए। देखिए फ्रेंड ये पूरे अच्छे से पक चुका है और आप इसे गर्मा गर्म खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मट्ठे की चावल जो मठजार हम लोग बोलते हैं तैयार हो चुका है। ज़रूर बना के देखिएगा ये पेक्ची के पत्ते की साग और मट्ठे की भात। मठजार और साग कैसा लगता है खाने में ज़रूर बताइएगा और बनाइएगा ज़रूर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी आप लोगों को बता सकूं। बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।